Good morning YouTube, welcome back to another vlog. Early morning on this Trogon, it's too fun. एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया अपनी बाइक में. ये है फोर्क ऑयल सील लीकिंग. हाँ, सुपर बाइक्स में कॉमन है, थोड़ा जल्दी लीक होना स्टार्ट होता है क्योंकि बहुत फास्ट चलाते हैं इसको, पॉट होल्स पे भी बहुत फास्ट चलती हैं बाइक्स, तो दिस इज़ कॉमन. बट मोटा खर्चा तो पड़ेगा ही भाई. मैं कराऊंगा, अपनी तरफ से कराऊंगा, अच्छे से ऑयल डालूंगा, ओरिजिनल सील्स डालूंगा. होता क्या है कि यहाँ पे एक रबर आता है, अंदर बैठता है, जिसे ऑयल को रोक के रखता है, प्रेशर को. वो थोड़े टाइम बाद ना हार्ड होके वहाँ से ऑयल लीक होना स्टार्ट हो जाता है और उसके इम्पैक्ट से भी वीक हो जाती है. सवेरे ही मैंने देखा ये. और चलो लेट मी शो यू स्टार्ट कैसी होती है ये बाइक. बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये बाइक स्टार्ट कैसे होती है क्योंकि यहाँ पे किल स्विच है, किल स्विच को ऊपर नीचे करते रहते हैं. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा. तो डुकाटी V4 का कुछ ऐसे आता है, ऊपर उठाओ और सेल्फ बटन दबाओ. ये कॉमन है, लॉन्ग सेल्फ लेती है बाइक, डुकाटी में वैसे ही होता है. एंड दिस इज क्लच केस. गाड़ी बहुत गंदी है इस बार क्योंकि मैं सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था कि व्लॉग बनाए. पीछे का लुक तो बहुत प्यारा दिखता है इसमें. चलो चलते चलते बात करेंगे. इट्स रिकॉर्डिंग. ये डुकाटी का ना इसमें वायर नहीं आती है, इसमें हाइड्रोलिक क्लच आता है, पाइप जाके रहता है उसमें, ऑयल सर्कुलेशन होता है. तो हाइड्रोलिक क्लच ना बहुत अग्रेसिव होते हैं. आप इस पे व्हीली उठाना चाहते हो, ऐसे कुछ करना चाहते हो, तो इसका क्लच रेस्पॉन्स बहुत क्विक रहेगा, उतना ईजी टू राइड नहीं रहेगा. बट मैंने हायाबुसा का भी हाइड्रोलिक क्लच देखा है, बहुत प्यारा है हायाबुसा का. डुकाटीज का मुझे हाइड्रोलिक क्लच बिल्कुल पसंद नहीं है, पर बात यह है कि फ्री रहता है क्लच. हाँ, राइड बाय वायर मुझे बहुत पसंद है डुकाटी का. बाय वायर इसको बोलते हैं, थ्रॉटल का जो केबल आता है ना, पुराने बाइक्स में केबल आती थी, अब इसमें केबल नहीं आता, इसके अंदर सेंसर आता है. वायर से कनेक्शन जाता है, केबल से नहीं जाता है. तो ऑलमोस्ट अब जो नए KTM सब वगैरह आ रहे हैं तो वो सब राइड बाय वायर ही आ रहे हैं. मुझे राइड बाय वायर का उतना पसंद नहीं आया सच बोलूं तो. ये बाइक का सब अच्छा है, ठीक ठाक है, पर थोड़े बाइक्स का ना थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है. लेट बाइक मूव होती है परफॉर्मेंस में. आई डोंट लाइक दैट थिंग. और डुकाटी का एक डिसएडवांटेज ये है कि भाई बाइक बहुत ज़्यादा हीट होती है. सिटी में ना आप बहुत तंग हो जाओगे इस बाइक चलाने में, उतना ज़्यादा हीट होती है बाइक. हाँ, अगर रोड्स खाली रहे ना तो बहुत मज़ा आता है बाइक में. हार्डली मैंने 3-4 किलोमीटर चलाया और आई कैन फील द हीट शुरू हो गई है. मुझे इस बाइक पे एक फील आता है कि जब मैं इस बाइक पे बैठता हूँ ना तो एक ऐसा रॉकेट फील आता है कि मुझे इस बाइक पे मैं किंग हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी बाइक या कार को मैं बीट कर पाऊंगा. मुझे वो एक कॉन्फिडेंस फील आता है. मुझे होता भी वैसे ही है, जब मैं हाईवेज पे भगाता हूँ ना तो सबको भाई भचाड़ देती है बाइक. ये S1000 न्यू शेप को भी ना टॉप स्पीड में इजी ओवरटेक करके आगे चले जाती है. क्या बढ़िया बाइक है.
पर इस बाइक का एक चीज पसंद नहीं आया मुझे, वो है कि इसका साउंड और क्विक शिफ्टर भाई, जो इनलाइन फोर में जो मजा आता है ना, जो गियर चेंज करते टाइम पे एक बैंग साउंड, पॉप्सन बैंग साउंड, वो इस बाइक पे मैं बहुत मिस करता हूँ। अगर वो चीज इसमें रह जाता ना तो बस कुछ नहीं चाहिए था मुझे। हर कोई ना कोई बाइक में कोई ना कोई कमी आ जाती है। चलो ऑफ कर लेते हैं, मोर देन अ मिनट, लेट्स नॉट वेस्ट अ फ्यूल। नहीं भैया, एक चीज़ बता दूं कि V4 और V4S में क्या फ़र्क है। V4S में बस ये इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन आता है, यहाँ से एक वायर कनेक्टेड आती है, आप सिर्फ इस कंट्रोलिंग से आप बाइक के सस्पेंशन को रिबाउंड और कंप्रेशन हार्ड एंड सॉफ्ट कर सकते हैं। इसमें मैन्युअली करना पड़ेगा, यहाँ पे जो स्क्रूज हैं उससे करना पड़ेगा। बाइक ही ऐसी है, रिएक्शन वैसे ही मिल जाएगा।